आप देख रहे हैं वेद संसार। दोस्तों, हिंदू धर्म के लोगों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है अमरनाथ। हर साल श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ भारी संख्या में पहुँचते हैं। बता दें कि अमरनाथ गुफा कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों के बीचों बीच स्थित है और यहाँ पे बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा होती है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा को भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, आज वेद संसार आपको बताने जा रहा है अमरनाथ गुफा से जुड़े कुछ खास रहस्यों के बारे में, जिन्हें आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, साथ ही आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कहते हैं भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में ही माँ पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था। बस इसलिए अमरनाथ गुफा का महत्व बहुत ज्यादा है। ऐसी मान्यता है कि किसी को भी अमर कथा सुनने की इजाजत नहीं थी। यही कारण है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को कथा सुनाने से पहले सभी को त्याग दिया था, ताकि कोई और अमर कथा ना सुन पाए। अमरनाथ गुफा से लगभग 96 किलोमीटर पर स्थित एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान शिव ने रुक कर आराम किया था। बता दें कि उन्होंने अपने नंदी बैल को इसी जगह छोड़ दिया था। ध्यान रहे कि नंदी बैल के बिना शिवलिंग को अधूरा माना जाता है। इसके बाद ही शेषनाग झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्प को उतार दिया था। वहीं गणेश जी को उन्होंने महागुनस पहाड़ पर छोड़ दिया था। और इसके बाद पंचतरणी नाम की जगह पर पहुंचकर भगवान शिव ने पांचों तत्वों को भी त्याग दिया था। दिलचस्प बात यह है कि जब भगवान शिव ने पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था, तब उस समय गुफा में उन दोनों के अलावा सिर्फ कबूतरों का एक जोड़ा मौजूद था। कथा सुनने के बाद कबूतर का जोड़ा अमर हो गया था और आज भी अमरनाथ गुफा में कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है। यह बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अमरनाथ गुफा चारों तरफ से कच्ची बर्फ से ढकी हुई है। क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ के अंदर मौजूद शिवलिंग पक्की बर्फ का होता है, और यह शिवलिंग पक्की बर्फ का किस तरह बनता है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि अमरनाथ गुफा की खोज बूटा मालिक नाम के एक मुस्लिम शख्स ने की थी। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के पास पानी बहता है, लेकिन अब तक इस बात का पता कोई नहीं लगा पाया है कि पानी आखिर आता कहां से है। अमरनाथ गुफा 5000 साल पुरानी बताई जाती है। इस गुफा में मौजूद शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है, क्योंकि इस शिवलिंग का निर्माण खुद से होता है। बताते चले कि कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा करीबन 160 फीट लंबी और 100 फीट चौड़ी है। अमरनाथ यात्रा का सारा प्रबंध अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा किया जाता है। यहाँ दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का खास ख्याल रखा जाता है। तो सारे भक्तजन मिलकर कहें ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप भी इस भव्य दर्शन के लिए एक बार जरूर जाएंगे और भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर एक सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है इसे और बेहतर बनाया जा सकता है तो इसके लिए अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।